गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही डायरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रामक बीमारियों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से आमजन और गरीब लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए आमजन और गरीब तबके को बेहतर इलाज मुहैया हो रहा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल धौलपुर जिले में सरकारी योजनाओं की जानकारी और संसाधनों के अभाव में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरन अप्रशिक्षित और झोला छाप चिकित्सकों से उपचार कराना पड़ रहा है। इससे झोला छाप चिकित्सकों की तो चांदी हो रही है, लेकिन कई बार इससे लोगों की जान पर भी बात बन जाती है। राज्य में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, तो उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन लोगों को झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाना पड़ रहा है, जिसकी काफी स्थिति परिस्थिति खराब हो जाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पब्लिक को लाभ मिले। थैला छापने पर इलाज कराना पड़ता है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, मच्छर खाते हैं, तकलीफ ज्यादा होती है। राज्य सरकार ने आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, लेकिन अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं पहुंच पाते, लिहाजा ग्रामीणों को झोला छाप चिकित्सकों से ही उपचार कराना पड़ता है। झोला छाप चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी और कस्बों में भी खूब पनप रहे हैं। शहर एवं कस्बों में धड़ल्ले से बोर्ड लगाकर मरीजों को आकर्षित करते हैं। राजस्थान में जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, वो पूरी की पूरी सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं। इसका एक कारण है, गवर्नमेंट की जितनी चिकित्सा की योजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी भी आम जन तक अभी नहीं पहुंच पाई है, न इतनी सुविधाएं पहुंच पाई हैं। योजनाएं तो चालू हैं, लेकिन जनता के जहन में अभी वो अधूरी हैं। सिस्टम के साथ साथ निजी नर्सिंग होम संचालक की सांठगांठ से संचालित हो रहे झोला छाप चिकित्सकों का इलाज लोगों की जान और माल पर भारी पड़ता है। इस मामले में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल का क्या कहना है, आप भी सुनिए। राजस्थान सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में दे रखी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जननी सुरक्षा योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार ने बिल्कुल निःशुल्क चला रखी है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट निःशुल्क मिलता है, तो जनता अप्रशिक्षित लोगों से इलाज ना ले, उनसे उनके शरीर को हानि भी हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। बहरहाल एक तरफ राज्य सरकार का दावा है कि समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन सरकार के दावों को धरातल पर चिकित्सा विभाग पहुँचाने में नाकाम है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ईटीवी भारत के लिए धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।